सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3। आई होप आप सबने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से देख लिया होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। सो स्टार्ट करने से पहले ज़रा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। वट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसवर्सल? आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइन्स को कट करती है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। सो एक ऐसी लाइन जो दो लाइन्स को क्या करेगी? कट करेगी। दिस लाइन इज नोन एज, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। जैसे सपोज आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आपके सामने दिख रहा होगा आपको ये लाइन एल है। इट इंटरसेक्ट एम एन एन, एम एन एन को इंटरसेक्ट कर रही है पी एन क्यू, पी और क्यू पे। सो देयरफॉर लाइन एल को मैं क्या बोलूँगा? लाइन एल इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। और इसके देखो कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, चेक करो इसके एंगल्स, चेक करो कौन कौन से बन रहे हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 7 और 8, ये इस ट्रांसवर्सल के बाहर वाले एंगल है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। और ये चारों चेक करो, 1, 2, 3 एंड 4, ये इस ट्रांसवर्सल के अंदर बन रहे हैं ना, सो दे आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक एक करके हम जरा एंगल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो पहले हम कुछ एंगल्स के बारे में जान लेते हैं। वट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जब दो ट्रांसवर्सल, जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाले एंगल, दीज एंगल आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, वट आर ऑल्टरनेटियर एंगल्स? मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को मैं कह सकता हूँ, आप इसको ऐसे रख सकते हो कि वो एफ बनाते हैं। एफ एफ मतलब अगर ये एफ बनेगा तो क्या होगा? ये वाले एंगल इक्वल होंगे ना, तो एफ बनाने वाले एंगल्स कौन से होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेटियर एंगल्स ये आपको जेड बनते हुए दिखेंगे। ये देखो सपोज दो लाइनें हैं और एक ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो जेड दिख रहा है आपको, जेड बनता हुआ, ये जेड है ना, जेड, दिस इज जेड। सो दीज एंगल, दीज टू एंगल आर नोन एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इंटीरियर के बाहर वाले, मतलब ये दो लाइनें हैं ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, सो इसके बाहर वाले मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स ये दो लाइनें लाइनें हैं और ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं, तो देखो इंटीरियर एंगल्स यही होते थे ना, अंदर वाले एंगल। और देखो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है ये ट्रांसवर्सल है, इसी की इसी साइड पे है ना ये दोनों के दोनों, ये भी यहीं पर है, ये भी यहीं पर है, तो दीज एंगल्स, इन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलूँगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एक बार जरा चेक करते हैं, ये देखो। सो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसके अंदर अगर आप चेक करो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 एंड एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, एंगल 4 एंड एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से, इसमें चेक करें एक बारी जो जेड बना रहे हैं, तो एंगल 4 और एंगल 6 दे आर ऑल्टरनेटियर एंगल्स, और एंगल 3 एंड एंगल 5 दे आर ऑल्टरनेटियर एंगल्स, है ना। ये देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 7 दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और एंगल 2 एंड एंगल 8 दे आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ये ट्रांसवर्सल है आपके पास, ये देखो ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर वाले एंगल्स, बट ये सेम साइड पे है ना, सो एंगल 4 एंड एंगल 5 और एंगल 3 एंड एंगल 6 दे आर द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक्सियम 6.3 क्या कहती है? एक्सियम 6.3 कहती है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी टू, देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, तो हर एक पेयर क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, मतलब अगर दो लाइनें पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल कट हो रहा है, तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। सो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी कैन राइट एन इफ इफ एल इज पैरेलल टू एम, अगर ऐसा हो गया देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
बट एक कंडीशन क्या है, हमेशा लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। जब लाइनें पैरेलल होगी तो ही क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और आपको पता है जब लाइनें पैरेलल होती है तो इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब उल्टा भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है, कन्वर्स भी ट्रू है इसका। मतलब इफ अगर ये वाला एंगल एंगल वन एंगल टू के इक्वल आपने कर दिया, मतलब इफ इसको एल और एम ले लो, इसको एन ले लो, इफ मैंने अभी क्या बताया आपको, एल इज पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल है तो क्या बताया मैंने कि एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के ना, तो इसका उल्टा भी ट्रू है। मीन्स इफ अगर आपने एंगल वन को एंगल टू के इक्वल कर दिया तो ऑटोमेटिकली एल किसके पैरेलल हो जाएगा, एम के। तो अपने आप हम प्रूफ करने के लिए आ सकते हैं कि अगर आपको दो लाइनों को प्रूफ करना हो कि दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो व्हाट विल यू प्रूफ, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ द एग्जाम विच इज अलो इफ अ ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू इंटर लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। सो नेक्स्ट एग्जाम पे चलने से पहले जरा मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही समझा देता हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो, लेट कर लो कि ये दो लाइनें पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। सो मैंने बताया आपको एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। सो मीन्स इफ इफ एल इज पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल है तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। दीज एंगल्स आर नोन एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तीन चीजें होती है वैसे, मैं आपको तीनों बताता हूँ। दिस इज पॉइंट नंबर वन, ठीक है। और अगर ये पैरेलल है तो एक और चीज हो सकती है, तो जेड बने जेड वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब जो एंगल थ्री होगा देन एंगल थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल टू। रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर एल एम के पैरेलल है तो तीन चीजें होगी क्या, अब इसको फोर ले लो, कि एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सो इस चीज को हम याद रखेंगे क्या, क्योंकि बार बार यूज आएगी है। अगर आपने कुछ भी, ये दोनों लाइनें पैरेलल गिवन हैं, तो ये तीन चीजें अपने आप ही पॉसिबल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली तीन चीजें हो जाएगी। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है, वो हम आगे करते हैं, पहले ये चीजें दिमाग में रखना, हम आगे चलते हैं। सो एग्जाम 6.4 क्या कह रहा है, एग्जाम 6.4 कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। मतलब अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया तो लाइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अगला एग्जाम कह रहा है, अगले थ्योरम कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ऑल्टरनेटियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर ये दो लाइनें पैरेलल होगी, ठीक है, अगर ये पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल, मतलब इफ अगर एल पैरेलल होगा एम के तो देन एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल टू के। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, जेड वालों को, ऑल्टरनेटियर एंगल्स, है ना। अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट इज अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा टू लाइन को सच दैट पेयर ऑफ ऑल्टरनेटियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो इनका इन्वर्स भी ट्रू है, मतलब कभी अगर आपको प्रूफ करने के लिए आ जाए कि सपोज ये एल है, ये एम है और ये एन है, मीन्स इफ इसको वन ले लो, इसको टू ले लो, इफ एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अगर आपने प्रूफ कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप लिख सकते हो एल इज पैरेलल टू एम। थ्योरम 6.4 कह रहा है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये मैं बता चुका हूँ, अगर दो पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल वन इफ क्या कह सकते हैं, एल एम और एन, इफ एल इज पैरेलल टू एम, अगर एल पैरेलल है एम के तो क्या होगा, देन एंगल वन प्लस एंगल टू का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ऑलवेज सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ये देखो, इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा अगर लाइनें पैरेलल होगी तो,
ठीक है। 6.5 थ्योरम क्या कह रही है, ये कह रही है इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज सप्लीमेंट्री लाइंस आर पैरेलल, ऑब्वियसली कन्वर्स है उसका, जो मैंने पढ़ाया आपको उसका कन्वर्स है। अगर आपने कुछ भी करके क्वेश्चन में सपोज ये एल एम और एन ले लो, अगर आपने इन दोनों का सम 180 कर दिया, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपने 180 कर दिया, और तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल पैरेलल हो जाएगा एम के। ये 6.5 कह रहे हैं। 6.6 लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब अगर आप मान लो ये एल है और ये एम के पैरेलल है, इफ एल इज पैरेलल टू एम, अगर एल एम के पैरेलल है और आप मान लो कि आप एक लाइन इंट्रोड्यूस कर देते हो के एंड एन इज ऑल्सो पैरेलल टू एम, अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों लाइनें आपस में क्या होगी, पैरेलल, मतलब एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक छोटा सा नोट है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, अगर लाइनें पैरेलल होगी तो क्या होगा, तो आपके ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर आपको प्रूफ करना हो पैरेलल तो आप कैसे करोगे, मैंने अभी तो बताया प्रूफ करने के देर आर थ्री थिंग्स। पॉइंट नंबर वन, आप क्या कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो, अगर आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। पॉइंट नंबर टू, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दो, अगर आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दिया तो भी लाइनें क्या हो जाएगी, पैरेलल। पॉइंट नंबर थ्री, क्या इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आप क्या कर दो, 180 कर दो, तो भी क्या हो जाएगी, ये तो भी पैरेलल हो जाएगी। सो देयर आर थ्री थिंग्स, तीन तरह से हम लाइनों को पैरेलल कर सकते हैं, तो तीनों हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर फोर कह रहा है कि इफ इन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इफ एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री, दिस इज 135, एम वाई आर इज 40, ये 40 है, कह रहे फाइंड एक्स एम वाई। तो देखो ये क्वेश्चन में मुझे कोई डायरेक्ट लिंक मिल नहीं रहा है, ना मुझे इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे, ना मुझे इसमें ऑल्टरनेट दिख रहे, बट अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं, मतलब देखो अगर मैं M के थ्रू एक लाइन को पैरेलल बना दूं, मतलब कुछ ऐसे एक ऐसी लाइन बना दूं जो M से होती हुई जाएगी और इसके पैरेलल होगी, अब इसको नाम दे दो ए बी, नाम दे दे ए बी, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन अगर हम करेंगे तो हम इसको लिखना भी पड़ेगा कि हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये भी याद रखना। सो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन इज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है, और क्या गिवन है, एंगल एम एक्स क्यू कितना है 135 डिग्री, और एंगल एम वाई आर कितना है 40 डिग्री। क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड एंगल एक्स एम वाई। अब देखो हमने कंस्ट्रक्शन किया तो लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या थ्रू थ्रू एम, एम से मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल, पैरेलल टू आर एस, तो ये लाइन पैरेलल है, प्रूफ देखो जरा। और अभी हमने पढ़ा था अगर ये लाइन ए बी अगर आर एस के पैरेलल है तो ए बी पी क्यू के पैरेलल होगी, क्योंकि तीनों लाइनें आपस में पैरेलल होगी, है ना, तो मतलब मैं कह सकता हूं देयरफॉर क्या पी क्यू पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू आर एस। रीजन क्या आएगा, टू लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अभी तो बताया था आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब जरा देखो क्वेश्चन सॉल्व करें, अब इजी हो गया क्वेश्चन हमारे लिए। अब देखो ये 130, ये 40 है, तो क्या मैं, हमें हमसे पूछा है एक्स एम वाई, मतलब दिस एंगल, आपसे ये एंगल पूछा गया एक्स एम वाई, सो अगर ये 40 है तो क्या ये 40 होगा, रीजन क्या होगा। अब देखो जेड बन रहा है, चेक करो क्या जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या ये आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है, सो मतलब इसको एंगल वन मान लूँ मैं, एंगल वन, सो एंगल वन हमारा 40 होगा, अच्छा, और एंगल टू कितना होगा। अब देखो ये दोनों कौन से एंगल है, अभी बताए थे मैंने,
इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो हम एंगल टू भी निकाल सकते हैं। सो मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एंगल वन इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, जेड वाले कौन से होते थे याद है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और हम कह सकते हैं एंगल टू प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है ना, तो इससे एंगल टू निकाल लो। सो एंगल टू विल बी 180 माइनस 135। सो एंगल टू कितना आएगा मेरे पास, अब माइनस करो, इट इज 45 डिग्री। ठीक है, सो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है एंगल एक्स एम वाई। अब चेक करो एंगल एक्स एम वाई, क्या एंगल वन प्लस एंगल टू मिलके बनाता है, और एंगल वन कितना था 40, एंगल टू कितना है 45। सो आंसर कितना हो गया, 85 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, सिंपल है ना क्वेश्चन, आगे चले। सो एग्जाम्पल फाइव कह रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है एग्जाम्पल नंबर फाइव ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सो कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। मतलब आपको दो लाइनें गिवन है कुछ ऐसे, अब मान लो इसको ए बी सी डी नाम दे दो, ए बी सी और डी। कह रहा है एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इसको, दो लाइनों को, इसको आप एल ले लो, एल लाइन है ये, एल ट्रांसवर्सल का नाम है। If a intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, इसका जो bisector है और जो नीचे वाले angle का bisector है, इसका bisector और इसका bisector, bisector समझते हो, equal equal, मतलब अगर ये जो ये angle होगा वही ये angle होगा, जो ये angle होगा वही ये angle होगा, are parallel, then prove that the two lines are parallel। आपको prove करना है कि लाइनें parallel होगी, तो हम एक काम करते हैं, इसको E और F मान लेते हैं, और इसको हम G मान लेते हैं, इसको हम H कंसीडर कर लेते हैं। सो पहले चेक करते हैं गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है आपके पास इंटरसेक्ट टू लाइंस, L इज ट्रांसवर्सल, L क्या है आपके पास ट्रांसवर्सल है, विच इंटरसेक्ट, जो किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A B एंड C D, है ना। क्या प्रूफ करना है आपको, पता लगा प्रूफ क्या करना है अभी तक, देखो जरा चेक करें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, मतलब एक और चीज गिवन है हमें, पता है क्या, ई जी पैरेलल टू एफ एच, ई जी पैरेलल टू एफ एच, ई जी पैरेलल है एफ एच के, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, देखो ये लाइन चेक करो, bisector of pair of corresponding angles are parallel, so जो bisector है वो क्या एक दूसरे के parallel है, proof करना है तो two lines are parallel, you have to prove AB parallel to CD, आपको क्या proof करना है, AB किसके parallel है, CD के, समझ आया। और question में given है कि EG क्या है, FH के parallel है, तो मतलब check, आप इसको एक काम करें, easy करने के लिए इसको नाम दे दें 1 2, मतलब इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, इसको हम 3 बोल देते हैं, इसको हम 4 बोल देते हैं। सो अगर ई एफ ई जी पैरेलल है एफ एच के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब जरा प्रूफ चेक करो, अब चेक करो ई जी ऐसे है और एफ एच ऐसे है, और ये लाइन जा रही है कुछ ऐसे, सो क्या ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे, एफ ये एफ बना रहे ना उल्टा एफ, देखो ऐसे एफ बन रहे ना, ये कौन से एंगल होते थे एफ वाले याद है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, जरा देखो, सो वी कैन से एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइन से पैरेलल है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप एक काम करो, दोनों को डबल कर दो, डबल क्यों करेंगे हम, तो टू एंगल टू इज इक्वल टू टू एंगल फोर कह सकते हैं। हमने डबल क्यों किया है, हमने डबल इसलिए किया है
क्योंकि देखो अगर इसका मैं डबल करूँगा, क्योंकि ये ई जी बाइसेक्टर है ना, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, और एंगल 4 का डबल करेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा। सो मीन्स अगर हमने इनको डबल कर दिया, 2 एंगल 2 = 2 एंगल 4, 2 एंगल 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नाम दे देते पहले एम एन लाइन को, एंगल एम ई बी है ना, एंगल एम ई बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी कह सकते हैं, डबल कर दिया ना हमने, चेक करो ये देखो एक सेकेंड, अगर हमने इसको डबल किया सो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल अब इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया, सो हो गया ना। और ये कौन सा एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था पैरेलल प्रूफ करने का तरीका, अब क्या लिखेंगे, देयर फोर डायरेक्टली ए बी पैरेलल टू सी डी। इसका रीजन लिखना मत बोलना क्योंकि रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री में, क्या, वेन अ पेयर ऑफ कौन सा एंगल्स, वेन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, वेन अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स क्या होती है फिर, वो पैरेलल हो जाती है, इसलिए ए बी किसके पैरेलल हो गई, सी डी के। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब ये तीनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है, और कह रहा है ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के, मतलब ये 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और बी ई ए 55 है, ये 55 गिवन है, कह रहे एक्स वाई जी निकाल दो। सो अगर ये 55 है सो और ये 55 है और ये वाई, ये दोनों कौन से एंगल होंगे, ये इंटीरियर एंगल होगा, सेम साइड होगा। देखो ये दो दो लाइनें दिख रही हैं आपको, एक ये लाइन और ये लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज 55 एंड दिस इज वाई, मीन्स इन दोनों का सम 180 होगा, तो इससे वाई आ जाएगा आपको, है ना, और जो वाई होगा वही एक्स होगा, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, जो वाई होगा वही एक्स होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक्स से मैं ये निकाल सकता हूँ कैसे, लीनियर पेयर करके, और अगर लीनियर पेयर करके आ गया और ये 90 था, तो हमें ये पता है एंगल्स हम प्रॉपर्टी से हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करें, ये इसका सॉल्यूशन था। सो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन इज ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के और ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के और एंगल बी ई एफ कितना है 55 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, एक्स वाई एंड जेड। अब प्रूफ चेक करो जरा, सो हम कह सकते हैं 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रीजन इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अच्छा तो y कितना आ गया मेरे पास, y इज 180 माइनस 55, सो y कितना आ गया 125 डिग्री। सो y आ गया मेरे पास 125 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, एक चीज मैंने बताई थी अभी आपको कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। टू लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू जो, तीनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। अब जरा चेक करो आपका ये y कितना आ गया, दिस इज 125, सो जो y होगा वही x होगा ना, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 125 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो x और y तो आ गया हमारे पास। अब देखो इसको मैं एंगल वन ले लूँ, दिस एंगल, टेक इट एज एंगल वन,
ये 90 था, ये 1 था, इसे जेड आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं एक्स प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, है ना। सो एंगल एक्स कितना है मेरे पास 125, सो एंगल 1 इज 180 माइनस 125, सो कितना आ गया ये, इट विल कम आउट टू बी 55। सो एंगल 1 आ गया 55। सो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस 90 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने याद है एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है 55 प्लस 90 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। सो 90 प्लस 55 कितना हुआ 145 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो जेड कितना आ गया मेरे पास 180 माइनस 145। सो जेड विल बी, जेड कितना आ गया मेरे पास 35 35 डिग्री इज द आंसर। सो एक्स आ गया मेरे पास 125, वाई इज 125 एंड जेड इज 35 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे चलें। सो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में हम आगे वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।